भगवान सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर और मैं अतुल वाजपेयी लक्ष्मणपुर की धरती से इस देवनगरी काशी की ओर हूँ। इस पुण्य भूमि को प्रणाम करता हूँ, इस समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ और आप समस्त सम्मुख विराजमान साहित्य अनुरागियों को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ भाई प्रशांत का, नमदार भाई का आदेश मेरे लिए एक अध्यादेश हो जाया करता है। मैं कविता के क्रम में हूँ, आइए। मैं लक्ष्मणपुर की धरती से हूँ, काशी विश्वनाथ की धरती पर खड़ा हूँ। अस्तु, एक मन मन रहा है कुछ अर्चना करने का और मैं अपने आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अर्चना करता हूँ और यहीं से काव्य यात्रा आरंभ करता हूँ। आप सबका आशीष मांगता हूँ, मंच भी सुने, निवेदन करता हूँ। एक बार कोई जब कहता है राम, तब राम के नाम पर जब बात उठती है, उनके प्रस्तुत्व पर प्रश्न चिन्ह उठता है, तो बातें आपने सुनी होंगी। मैंने उसे सिर्फ एक छंद में बांधने की कोशिश की है, मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा। एक बार कोई जब कहता है राम, तब राम किसी व्यक्ति का सुनाम कहलाता है। एक बार कोई जब कहता है राम, तब राम किसी व्यक्ति का सुनाम कहलाता है। कोई जो दो बार यदि कहता है राम राम, वही राम तब अभिवादन कहता है। तीन बार कोई यदि कहे राम राम राम, राम तब वेदना का रूप धरवाता है। चार बार कहने से, बार बार कहने से, चार बार कहने से राम 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 राम, राम नाम तब महामंत्र बन जाता है। ये राम नाम की महिमा है। क्या है हमारे राम? श्री राम है प्रतीक रूप मेरी राष्ट्रीयता के, राम बिनु भारत की कोई पहचान क्या। श्री राम है प्रतीक रूप मेरी राष्ट्रीयता के, राम बिनु भारत की कोई पहचान क्या। एकता भवस्मिता के शिखर पुरुष राम, राम बिनु भारत की आन बान शान क्या। लोक और वेद के समस्त गुण धाम राम, राम को नकारने से बड़ा अपमान क्या। राम राष्ट्र गौरव है, राम प्रेरणा के पुंज, राम बिनु भारत हो पाएगा महान क्या। राम बिनु भारत हो पाएगा महान क्या। राम बिनु भारत हो, और क्या है राम? कि भारती है सभ्यता में रचे हैं बसे हैं राम, वेद व वेदांग के समस्त ज्ञान राम है। बुद्धि में बृहस्पति तो बल में है इंद्र राम, इंद्रिय विजेता वोर शौर्यवान राम है। देश के भविष्य राम, भूत वर्तमान राम, राष्ट्र अस्मिता की शान पहचान राम है। कण कण में है राम, त्रण त्रण रमे राम, व्याप्त है सर्वत्र सर्वशक्तिमान राम। मेरे साथ एक बार बोल सके तो, अगर बोलिएगा तो बोले, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सबको प्रणाम करता हूं। एक कविता विशेष मैं सुनाने की मानसिकता में हूं। सत्येन दादा को सादर अपनी उत्तर पुस्तिका समर्पित करता हूं। हम ओज के कवियों पर आरोप लगता है कि अगर पाकिस्तान न हो, अगर कश्मीर न हो, अगर कोई वर्ग विशेष न हो, तो इन लोगों के पास कोई विषय नहीं बचता। मैं एक कविता विशेष, जिसका आदेश मुझे दमदार भाई कर रहे हैं, मैं उसी को सुनाने की मानसिकता में हूं। अब समस्त बड़े अच्छे विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। मैंने अपना जो कुछ 12-13 वर्षों की मेरे जो साहित्य की यात्रा है, वो अपनी तपस्या मैं आपको समर्पित करता हूं, अपनी उत्तर पुस्तिका आपको देता हूं, निवेदन करता हूं। एक बात कहीं से उठती है साहब कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक बात कहीं उठती है कि भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी, तो कोई ये कह देता है कि भारत अब तालिबान बनने की ओर अग्रसर है, तो ये बातें कुछ अच्छी नहीं लगती। तब एक कविता का जन्म होता है। मैं उसका प्रथम बंद आपके सामने रखता हूं। भारत का मानचित्र आप अपने मन मस्तिष्क में रखिएगा, तो मानचित्र कैसा बना हुआ है, और मेरी कविता के साथ, मेरी पंक्तियों के साथ यात्रा करिएगा। अपनी उत्तर पुस्तिका देता हूं, हिंदी का छोटा सा विद्यार्थी हूं, निवेदन करता हूं, सुनिएगा, मंच भी सुने दादा। शोभित उज्ज्वल हिम शिखरों से, शोभित उज्ज्वल हिम शिखरों से, मेरा गर्वित उन्नत ललाट
गंभीर युक्त दृण भाव लिए यहु अटल निश्चय शैलराट घाटियां पुष्प अर्पण करके करती मस्तक का अभ्यर्चन शीतलता का आगार अगम हिम कण का शुभ्र धवल चंदन है पावन नदियों का उद्गम है तपवस्थल ऋषि मुनियों का है भरा हुआ भंडार यहाँ जीवन दायी औषधियों भुज से लेकर वरुणांचल तक विस्तृत वक्ष स्थल हरा भरा मिलता है त्राण जहां सबको उर्वरा शस्य श्यामला धरा है विंध्य सतपुड़ा कटिभूषण माथे किरीट नगपति विराट गुजरात बंग मम पुष्ट कंध दौजंघ रूप है उभय गुजरात बंग मम पुष्ट कंध दो जंघ रूप है उभय घाट सतलज झेलम रावी चिनाव गंगा यमुना की अमीय धार कृष्णा कावेरी ब्रह्मपुत्र नर्मदा सिंधु का जल वपार अभिसिंचित करती तन मन को नित गोदावरी तुंग भद्रा घाघरा तापती सोन के न में जीवन दाई तत्व भरा गर्भस्थ रत्न मर सिंधु लिए अर्चन में लहरों का प्रवाह पद पदुम पखार रहा निश दिन जल राशि लिए है अभिधल वथा हूँ नहीं हूँ नहीं हूँ नहीं मात्र भूखंड वेक हूँ नहीं मात्र भूखंड वेक मैं चेतन जीवित जागृत हूँ मैं भारत हूँ मैं भारत हूँ क्या बात है मैं भारत हूँ मैं भारत हूँ प्रणाम करता हूँ प्रणाम करता हूँ अगर बोल नहीं है तो सब लोग बोलिए ढंग से टुकड़ों में कोई बात अच्छी नहीं लगती बोलिए भारत माता की भारत माता की अगला बंद रखता हूँ एक भौगोलिक प्रश्न मैंने आपके सामने रखा अब एक पौराणिक प्रश्न आपके सामने रखता हूँ जो वरेण्य लोग हैं आदरणीय गुरुजी विराजमान हैं मैं इन्हें समर्पित करता हूं यह विशेष बंद निवेदन करता हूं कि प्राचीन सभ्यता का द्योतक प्राचीन सभ्यता का द्योतक मेरी संस्कृति सबसे महान नव पंथ दिखाया है जग को तब जगत गुरु का मिला मान मैं सप्त सैंधव मध्य देश या आर्यावर्त कहा जाता निग्रो आस्टिक या द्रमिण वार्य इनसे प्राचीन रहा नाता वेदों का मंत्रोच्चार किया उपनिषदों में भर दिया ज्ञान वेदांग ब्राह्मण वार्यक गीता जीवन का समाधान वह शंकर का वाक्योत्वाद समरसता शैव दर्शनों की देखी है करुणा की धारा बौद्धों की हो या जैनों की मेरी सभ्यता समावेशी संस्कृति रहती गतिमान नित्य पर मौलिकता जो की त्यों है हो रहे समाहित बाह्य तत्व हिंद सिंधु के शीर्ष बिंदु से सामगान का स्वर उपजा निर्भय हो मैंने लहराई सर्वोच्च सनातन धर्म ध्वजा निर्भय हो मैंने लहराई सर्वोच्च सनातन धर्म ध्वजा वसुधैव 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 कुटुंब का भाव लिए वसुधैव कुटुंब का भाव लिए करता मैं सबका स्वागत हूँ मैं भारत हूँ मैं भारत हूँ मैं भारत हूँ मैं भारत हूँ मैं वो भारत हूँ साहब ये क्या हो रहा है ये जो ममता बनर्जी और पीएम मोदी साहब के बीच में मीटिंग हुई थी उसी विषय में चर्चा करेंगे कल बैठ जाओ यार दो मिनट भाई साहब आप सबको प्रणाम करता हूं अगला बंद रखता हूं जिनके घर में कथा होती है वो कथा नहीं सुन पाते वो पंजीरे ढूंढा करते हैं कि रखी किस जगह वही प्रशांत भाई कर रहे हैं मैं निवेदन करता हूं अगला बंद रखता हूं मेरे युवा साथी यहां बैठे हैं अगर ये गर्व हो जाए कि मैंने सुजला सुफला शस्य श्यामला मातृभूमि में जन्म लिया है मुझे गर्व है इस बात का कि मैंने भारत में जन्म लिया
आपको गर्व है कि नहीं, मुझे भी आभास कराइएगा। मैं एक बंद रखता हूं, मैं किनके वंशज हैं हम लोग, एक बंद यहां से उठाता हूं, निवेदन करता हूं, सुनिएगा कि मैं राम कृष्ण गौतम नानक वरु महावीर से हुआ धन्य, मैं राम कृष्ण गौतम नानक वरु महावीर से हुआ धन्य, जो निज सुकृत यश गौरव से हो गए सकल जग में प्रणम्य, अंगिरा पतंजलि भरद्वाज पाराशर पाणिनि प्रभृति संत, सप्तर्षि कराते दिग्दर्शन वासना रूढ़ हो न भवनंत, कुंती कौशल्या अनुसुईया देवकी यशोदा है महान, गार्गी अपाला मैत्रेयी लोपा मुद्रा का दिव्य ज्ञान, दमयंती अंशुमती माद्री गांधारी पार्वती सीता, उर्मिला सुकन्या सावित्री जैसी जन्मी है पतिव्रता, ऋषि वाल्मीकि और वेद व्यास है माघ भारवी कालिदास, कवि तुलसी सूर कबीरा है मम साहित्यांगन के प्रकाश, राजाधिराज बलिरंति देव शिव ऋषि दधीच या कर्ण वीर है अमर दान वीरों का यश, क्षण भंगुर यह नश्वर शरीर है, लव कुश ध्रुव प्रहलाद वार एक लब्ध समर की कीर्ति धवल, उदरस्थ वीर अभिमन्यु सीखता चक्र व्यूह का रण कौशल, सिंहो के शावक पकड़ यह बालक गिनते दंतावलिया, पावन सतीत्व की रक्षा में जौहर व्रत करती पद्मिनिया, गौरवशाली इतिहासों का गौरवशाली इतिहासों का मैं साक्षी हूँ, गर्वोन्नत हूँ मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, क्या मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, वाह मैं वो भारत, मैं वो भारत हूँ। और अगर कोई ये कह दे कि भारत बर्बाद हो जाएगा, भारत को हम बर्बाद कर देंगे, तो क्या संभव है? कोई व्यक्ति एक ऐसा ला दो जो बता दे कि भारत का जन्म फला तिथि को हुआ था, पाकिस्तान का कब हुआ था आपको पता है? 14 अगस्त 1947। मैं निवेदन करता हूं, अंतिम बंद रखता हूं, स्वागत, पुनः निवेदन करता हूं, स्वाभिमान की धरती से खड़े से आया हूं, एक स्वाभिमानी धरती पर खड़े होकर काव्य पाठ कर रहा हूं, तो कुछ बंकतंकियां यहीं से उठा लेता हूं। मुझे गर्व है कि मैंने सुजला सुफला श्यामला मातृभूमि में जन्म लिया है, जहां के कणकण में तणतण में देवता विराजमान है। निवेदन करता हूं कि यह कि मेरा कण कण तृण तृण पवित्र कोटिक देवों का दिव्य वास, वाह कि मेरा कण कण तृण तृण पवित्र कोटिक देवों का दिव्य वास, तपदान वौर व्रत योग यज्ञ से करता निज पौरुष विकास, भावना विश्व कल्याण सदा मैं मानवता का हूँ पोषक, सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे मंतव्यों का हूँ उद्घोषक, मेरे उदार आचरणों को अन्यथा न ले कोई किंचित, सम्मान मान की रक्षा में अणु अणु लोहू से अभिसिंचित, यूनानी वीर सिकंदर ने मम शौर्य शक्ति को किया नमन, जब हुआ पराजित सिल्यूकस उसकी पुत्री का किया वरण, संकल्प त्याग बलिदानों का। अब एक नाम लेता हूं, मुझे उस नाम पर सबसे ज्यादा गर्व है और देखना चाहता हूं कि काशी उस नाम पर कितना उछलती है। निवेदन स्वागत, स्वागत, कि संकल्प त्याग बलिदानों का पावन है मेरी परिपाटी, संकल्प त्याग बलिदानों की पावन है मेरी परिपाटी, मेवाड़ सिंह के गर्जन से है गूंज रही हल्दी घाट, लाजवाब, क्या बात है बाबा बाबा, मेवाड़ सिंह के गर्जन से है गूंज रही हल्दी घाटी, चलता था शिवा युद्ध करने कर में कह कर भीषण कृपाण, रानी झांसी समरांगण में रचंडी का शाश्वत प्रमाण, मंगल पांडे सुखदेव भगत नेता सुभाष बिस्मिल शेखर, अगणित बलिदानों का प्रतिफल मम वोज पराक्रम वजर अमर, सर्वोच्च रहेगा कीर्ति केतु, सर्वोच्च रहेगा कीर्ति केतु, मैं सवा अरब की ताकत हूँ, जिंदाबाद, मेरे साथ बात है बाबा बाबा बाबा, भारत माता की।
धन्यवाद, क्या बात, लाजवाब लाजवाब। एक बार फिर जय घोष हो। हाँ।